अस्सलाम वालेकुम गाइस, अनदर फ्राइडे, अनदर एपिसोड आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हुए हैं। तो आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पे पहले मैं कभी नहीं गया। वैसे तो पेशावर काफ़ी टाइम चक्कर लगा है, एक व्लॉग भी बनाया है पेशावर पे, लेकिन उससे आगे तोरखम पाक अफगान बॉर्डर पे हम कभी भी नहीं गए। ये हमारा पहला टाइम होगा कि हम तोरखम बॉर्डर, पाक अफगान बॉर्डर पर जाएँगे। तो मुझे यकीन है कि आपको ये जर्नी पसंद आएगी, एंड तक हमारी वीडियो में रहिएगा। तो चलिए हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सफ़र पिंडी गेप से स्टार्ट होकर पेशावर तक जाएगा, तो ये तकरीबन 250 किलोमीटर बनता है, जिसके लिए हमें 4 घंटे दरकार होंगे। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। पेशावर के लिए 3 रास्ते जाते हैं, एक नज़दीक वाला, एक थोड़ा दूर वाला और तीसरा कुछ ज़्यादा ही दूर वाला। सबसे नज़दीक वाला क्वाट का है, लेकिन क्वाट वाला रास्ता हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे सीपैक का काम हो रहा है और रोड जगह जगह से ख़राब है। एंड जो बहुत ज़्यादा दूर वाला है वो फतेह जंग से घूम के जाना पड़ता है मोटरवे से, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही दूर पड़ जाता है, इसलिए हमने सोचा कि हम अटक वाला रास्ता जाएँगे। अटक से पिंडी गेप से अटक, अटक से नौशहरा और जंगीरा, फिर उसके बाद सीधा जो है ना पेशावर। तो अभी हम अटक के करीब पहुंच चुके हैं। चार्जर ही पड़ा हुआ यार इधर, पावर बैंक निकालो। किधर पड़ा हुआ? इधर पड़ा हुआ। ये काम ठीक किया यार, मोबाइल की बैटरी लो हो गई है यार। ये तो टाइप सी वाली लीड है, आगे की शाफ्ट से ले लेते हैं। हाँ ये भी ठीक है। अभी हम खैबर पख्तूनख्वा में एंटर होने वाले हैं। चित्राल यहाँ से 340 किलोमीटर है यार। नाश्ता सही से नहीं किया यार, यहाँ पे कहीं बोटा देखो, बोटा खाने को दिल कर रहा है। रुक 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 रुक, बोटे वाला आ गया, बोटे वाला रुक जा रुक जा, तुझे साइड पे लगा। मेहरबानी, थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम पेशावर सिटी में एंटर हो चुके हैं। तो पहले तो व्लॉग मैंने एक बनाया हुआ था पेशावर सिटी पे, लेकिन ये व्लॉग थोड़ा मुख्तलिफ है, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम पेशावर सिटी पे नहीं बना रहे हैं, हम तोरखम बॉर्डर की तरफ हमने जाना है। तो पहले पेशावर सिटी में एक काम है छोटा सा, नासिर अपने जो है ना असल लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो उसके लिए एक बंदे से मिलना है, उसके बाद फिर आगे तोरखम बॉर्डर के लिए जाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। गाड़ी इधर लगा, चलो जी। संगे तो ये वो जगह है, इस जगह से आगे मैं आज दिन तक नहीं गया। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इस जगह से आगे जा रहा हूँ। अफगानिस्तान यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे है। ये जितनी भी बड़ी ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं, ये सारी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो रही है।
यही वो मेन शाहरा है जो कि तिजारत के लिए इस्तेमाल की जाती है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये शाहरा सदियों से तिजारत के लिए इस्तेमाल हो रही है। शाहरा इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि यहाँ से अलेक्जेंडर दी ग्रेट एंड महमूद गजनवी जैसे अजीम से पसलारों की ये गुजरगाह रही है। ये सामने शागई फोर्ट जिसको 1929 में तामीर किया गया था, अब ये पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। अभी हम पहुंचे शागे में, ये पेशावर से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे। ये आप खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं। ये इलाका कभी ये यहाँ पे तालिबानों का कब्ज़ा था, बहुत टाइम उन्होंने जो है ना इस जगह पे अपना कब्ज़ा जमाया रखा, लेकिन फिर पाक आर्मी ने इस जगह को आज़ाद कराया था तालिबानों से। तोरखम बॉर्डर तकरीबन यहाँ से आगे 15 से 20 किलोमीटर है, बाकी आपको तोरखम बॉर्डर वहाँ पे पहुँच के दिखाएंगे सारा भी। यार बहुत खूबसूरत एरिया है यार, सही बात है। कसम वो सुरंग देखी, वो देखो वो देखो वो देखो, वो रेलगाड़ी की है। चश्मा बना हुआ इधर 12 महीने में जाए ना। अच्छा अभी हम आरोबो के इलाके में, ये यहाँ पे कहते हैं कि सारा जो ये पानी आ रहा है ये सारा चश्मों का पानी है जो पहाड़ों से निकल रहे हैं कुदरती तौर पे। ये चश्मे और इतना साफ शफाफ पानी है, मैं इसको बचाओ। ये सारा प्याज है जो कि पाकिस्तान में जो है ना अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान में आ रहा है। ये आप देख सकते हैं ये सारा प्याज आ रहा है। अभी यहाँ पे खड़ी कर लो। अभी हम तोरखम बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम बॉर्डर के नज़दीक जाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी हालात भी कुछ जो है ना ठीक नहीं है। पिछले भी कुछ दिन पहले जो है ना यहाँ पे झड़प हुई थी अफगान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी, और दोनों तरफ से कैजुअल्टीज हुई थी। तो लगता तो नहीं है कि वो हमें जाने दे, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे जितनी नज़दीक से हम बना सकें वीडियो, तो फिर आपको दिखाते हैं आगे जाके बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक जाके। पाकिस्तान का मेन गेट है बॉर्डर का, आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ जितनी भी हैं ये क्लीयरेंस के लिए खड़ी हैं जो पाकिस्तान आ रही हैं अफगानिस्तान की साइड से। और ये दूसरी साइड पे जो गाड़ियाँ हैं ये अफगानिस्तान जा रही हैं। ये इस साइड पे जितनी भी बड़ी ट्रांसपोर्ट खड़ी है ये सारी अफगानिस्तान जाने के लिए खड़ी है, क्लीयरेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम एग्जैक्टली पाक अफगान बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर हैं। ये सामने जो आपको ये पहाड़ी नज़र आ रही है ये अफगानिस्तान साइड है और ये पाकिस्तान साइड है। यहाँ पे आपको एक बाढ़ नज़र आ रही होगी, ये मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये सामने ये बाढ़ आपको नज़र आ रही होगी, ये बाढ़ आपको नज़र आ रही होगी। ये बाढ़ की उस तरफ अफगानिस्तान है और बाढ़ की इस तरफ पाकिस्तान है। ये बाढ़ जो लग रही है ये तकरीबन 2600 किलोमीटर पाक आर्मी जो है ना अफगानिस्तान के पूरे बॉर्डर पर लगा रही है ताकि किसी किस्म की कोई दरअंदाजी ना हो सके। अभी मैं बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर खड़ा हूँ, इससे आगे तो मुझे नहीं लगता कि वीडियो बनाने दें। ये जो पहाड़ी ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली पहाड़ी ये अफगानिस्तान की पहाड़ी है, ये ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये ड्यूरन लाइन है पाक अफगान बॉर्डर। ये सामने पहाड़ी पे आपको अफगानिस्तान का झंडा जो है ना ये आप वाजह देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये अफगानिस्तान का झंडा लगा हुआ है।
ये पूरी पहाड़ी जो है ना ये अफगानिस्तान की है। हाँ चावल ही बता दीजिए, चावल ही बता दीजिए। पेट पूजा भी होगी हमारी, अभी हम वापसी का रास्ता नापते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।